अमर प्रेम। 1972 में शक्ति सामंत के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म विभूति भूषण बंदोपाध्याय की लिखी बांग्ला कहानी पर आधारित है। हालांकि इस कहानी पर 1970 में बांग्ला में ही निशी पद्मा नाम से फिल्म बनाई जा चुकी थी। शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को लेकर अमर प्रेम की रचना की। इस फिल्म का संगीत पक्ष भी माइलस्टोन बना उस दौर का, आरडी बर्मन द्वारा दिए गए संगीत से। गीतकार आनंद बख्शी ने गीतों की रचना की, जिन्हें स्वर दिया एसटी बर्मन, लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आइए अब जानते हैं इस फिल्म के पात्रों को। शर्मिला टैगोर ने पुष्पा का किरदार निभाया, राजेश खन्ना आनंद बाबू बने, विनोद मेहरा इस फिल्म के नंदू का मुख्य किरदार निभा रहे हैं, मदन पुरी ने नेपाल बाबू का रोल किया, सुजीत कुमार इस फिल्म में पुष्पा के गांव के भाई और नंदू के पिता का रोल निभा रहे हैं महेश भैया के किरदार में, बिंदु सुजीत कुमार की दूसरी पत्नी और नंदू की सौतेली मां के पात्र में नजर आती हैं, लीला मिश्रा कोठे की मालकिन है जहां पुष्पा बेची जाती है मौसी के किरदार में, वो इस पात्र को निभाती हुई आपको नजर आएंगी मेरे साथ। ओम प्रकाश उसी कोठे पर आने वाले एक बुजुर्ग हैं, साथ ही असित सेन, मूलचंद, राकेश पांडे, हीरालाल, जानकी दास तथा मनमोहन ने अपने अपने किरदार निभाए हैं। फिल्म की शुरुआत होती है गांव के दृश्य से। डोली उठाए कहार अपनी चाल में गीत गाते हुए चले जा रहे हैं और उसी रास्ते से पुष्पा सफेद धोती की घुटने तक साड़ी बांधे बिखरे बाल, आंखों में हजार दर्द छुपाए आंसुओं से ढके नंगे पांव डोली को निहारती हुई चली जा रही है। इसी गीत के साथ पर्दे पर पूरी फिल्म की कास्टिंग चल रही होती है और पुष्पा अपने गांव से कहां जा रही है, आइए आगे देखेंगे इस गीत के बाद।
अपने गांव पहुंचती है, अपने गांव यानी अपने माँ के गांव पहुंचती है, जहां उसे रास्ते में नेपाल बाबू और महेश बाबू साथ में मिल जाते हैं। नेपाल बाबू पुष्पा से उसका हाल पूछते हैं और उसके वहां से जाते ही महेश बाबू के पूछने पर कि ये कौन है, नेपाल बाबू पुष्पा के पिता का जिक्र करते हैं। अरे वही जिन्हें संगीत में बहुत रुचि थी, गाते बजाते थे, दामोदर दयाल। हाँ, ये उन्हीं की बेटी है। जाने क्यों ससुराल से इस तरह आई है? नेपाल बाबू की ये शंका सच ही थी। पुष्पा अपनी विधवा माँ के पास जाती है तो माँ उसे दोष देकर वापस जाने को कहती है। तब पुष्पा बताती है कि चूंकि वो माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। इस पर भी उसने कुछ नहीं कहा, मगर आज तो उसके पति ने हद ही कर दी। जलती लकड़ी से उसके पीठ को दाग दिया तब वो मजबूर हो गई। इसके बाद भी पति ने और उसकी नई पत्नी ने पुष्पा को घर से धक्के मार कर निकाल दिया। पुष्पा का दुर्भाग्य यहां कहां थमने वाला था? अकेली स्त्री जानकर गांव के ही एक भाई ने पुष्पा पर गलत निगाह डाली। पुष्पा ने उसे धिक्कार दिया, मगर ये बात आरोप के तौर पर पुष्पा के माँ के पास पहुंचती है और पुष्पा की माँ उसे ही दोषी मान बैठती है, यहां तक कि निकल जाने को कहती है। पुष्पा खुदकुशी कर लेना चाहती थी, मगर तभी नेपाल बाबू उसे नौकरी का झांसा देकर कलकत्ते ले जाते हैं और वहां मौसी के कोठे पर बेच डालते हैं। मौसी पुष्पा का बहुत प्यार और अपनेपन से स्वागत करती है। मौसी पुष्पा से पूछती है कि कुछ गा बजा लेती हो? तभी नेपाल बाबू तपाक से कहते हैं, कोकिल कंठी है मौसी, कोकिल कंठी। फिर क्या था, महफिल सजती है और पुष्पा के आजमाइश की घड़ी आती है। तभी उसी कोठे के पास आनंद बाबू गलती से आ पहुंचते हैं। जो ही जाने को बढ़ते हैं, उनके कदम रुक जाते हैं। पुष्पा की आवाज उनके कदमों को उस अपने गीत की तरफ खींच लेती है, ऐसे जैसे उनके पाँव में उसकी आवाज लिपट लिपट जा रही हो। मुझे तो आदत पड़ गई कि जैसा क्लासिकल कोई राग को बेस करके
गाना बनाना, तो उसमें क्या हो जाता है कि हम लोग फोक भी डाल देते हैं इसके अंदर।
बाबू जो अब तक मंत्रमुग्ध पुष्पा के सामने बैठे थे वो कह उठते हैं, वाह तुमने तो इस कमरे को मंदिर बना दिया है। तुम जो भी हो, तुम्हारे गले का दर्द किसी के भी मन का दर्द मिटा सकता है। नेपाल बाबू जब आनंद बाबू को पुष्पा का परिचय देते हैं तब आनंद बाबू कहते हैं, तुम्हारा नाम पुष्पा नहीं मीरा होना चाहिए था। इस तरह आनंद बाबू और पुष्पा की पहली मुलाकात होती है जो दोनों के जीने का सहारा बन जाती है। इधर गांव में महेश बाबू की पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद अपनी संतान नंदू को नई मां दिलाने की रस्म के तौर पर उनका दूसरा विवाह होता है बिंदु से। ये बात और है कि नंदू को फिर भी मां का प्यार नहीं मिलता, मगर उसे नई मां से दो भाई बहन और जरूर मिल जाते हैं। अगले दृश्य में नंदू को 7-8 बरस का दिखाते हैं, जहां वो अपने दोस्त चंदू से कहता है कि नई मां ने कहा है बाबा घर ढूंढने गए हैं कलकत्ते में, अब हम सब वहीं रहेंगे। संयोग ऐसा कि महेश बाबू उसी मोहल्ले में मकान लेते हैं जहां पुष्पा का कोठा होता है। उसी दौरान महेश बाबू बारिश से बचने के लिए रुकते हैं जहां पुष्पा उन्हें मिलती है, और फिर उसे पता लगता है कि पुष्पा की मां मर चुकी है। जबकि नेपाल बाबू अक्सर पुष्पा से मां को देने के लिए पैसे लिया करता था, और ये सारी बातचीत आनंद बाबू के सामने ही होती है। पुष्पा टूट जाती है, रो पड़ती है। आनंद बाबू पुष्पा के आंसू पूछते हैं, कहते हैं, पुष्पा तुम जहां हो वहां इन आंसुओं की कीमत स्लाइन वाटर से ज्यादा कुछ भी नहीं। पुष्पा आई हेट टीयर्स। और फिर आनंद बाबू पुष्पा को बाहर ले जाते हैं।
जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। दिन अपनी गति से आगे बढ़ रहे थे, तभी एक दिन महेश बाबू नंदू के साथ पुष्पा को मिल जाते हैं। पुष्पा नंदू को बड़े लार से दुलार करती है, महेश बाबू से बात करने की कोशिश करती है, मगर महेश बाबू लोक लाज का वास्ता देकर बहुत बेरुखी से पुष्पा को आइंदा टोकने से मना कर देते हैं। पुष्पा को बुरा तो लगता है, मगर जब भी वो नंदू को आसपास खेलते हुए पाती है तो उसके प्रति पुष्पा के मन की दबी हुई उपेक्षित ममता, मातृत्व की अतृप्त भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। उसके हाव भाव, मन की उत्कंठा, सब के सब नंदू के लिए एक माँ का साकार रूप बन जाते हैं। पुष्पा को नंदू अक्सर मंदिर आते जाते रास्ते में मिल जाता था। एक दिन स्कूल से लौटकर नंदू अपनी नई माँ से खाना मांगता है, मगर सौतेली माँ का कलेजा जाने क्यों अपने दो बच्चों के लिए मोम होकर भी नंदू के लिए पत्थर का हो जाता था। बार बार खाना मांगने पर भी जब नंदू को नई माँ की डांट मिलती है तो वह ऊपर अलमारी से खाने की बर्नी उतारने जाता है और गलती से एक बर्नी गिर कर टूट जाती है। नई माँ को तो जैसे उस छोटे से बच्चे को मारने पीटने का बहाना मिल गया हो, धक्के देकर वो नंदू को घर से बाहर कर देती है। नंदू आंसू पोछता तालाब के किनारे जाकर बैठा होता है, तभी पुष्पा मंदिर से लौट रही होती है। उसकी नजर नंदू पर पड़ती है। पुष्पा नंदू के करीब जाकर बहुत प्यार से पूछती है, अरे नंदू बाबू, यहाँ क्यों बैठे हो? इतनी देर हो गई, घर नहीं जाओगे? नंदू रुआसा होकर कहता है, नहीं, नई माँ मारेगी। पुष्पा आश्चर्य से कहती है, क्यों भला? नंदू सारी बात बताता है और फिर रोने लगता है। पुष्पा फिर पूछती है, अरे अभी तक खाना नहीं खाया? रो मत बेटा, लो मिठाई खा लो। और प्रसाद की सारी मिठाई और फल उसे देती है, फिर अपने हाथों से उसे खिलाती भी है, साथ ही हिदायत करती है, जब भी तुम्हें भूख लगे मेरे पास आ जाना, मगर हाँ किसी को बताना नहीं, अब कभी नहीं रोना। इतना अच्छा बेटा कभी रोता है? और उसे गले से लगा लेती है, जैसे उसके प्रेम की स्रोत को दिशा मिल गई हो। बातों ही बातों में एक दिन नंदू उसे बताता है कि नंदू को समोसे बहुत पसंद है। पुष्पा उसे घर जाने को कहती है तो वो सवाल करने लगता है, सवाल करता है कि हाँ जो लोग आते हैं वो कौन हैं। वो सवाल पुष्पा को परेशान कर जाते हैं।
इधर आनंद बाबू अपने मित्र विजय के साथ अपने घर आते हैं, जहां उनकी पत्नी खुद को मौजूद तो होती नहीं, मगर उसकी बेपरवाही का नमूना पूरा घर बना दिखता है। नौकर से बदलने के लिए कपड़े मांगने पर मालूम होता है कि मेम साहब के पास अलमारी की चाबियां हैं। और फिर हैरान परेशान आनंद बाबू लॉन्ड्री से कपड़े मंगवाते हैं। इसी बीच विजय बाबू अपने दोस्त आनंद को अपने घर चलकर पूरी सब्जी हलवा खाने का न्योता देते हैं। विजय बाबू जाते जाते आनंद बाबू की बिखरी गृहस्थी का तंज दे जाते हैं। आनंद बाबू अपनी आज़ाद ख्याल लापरवाह देर रात तक पार्टियां करने वाली पत्नी के प्यार को तरसते हैं और शायद यही उनकी भटकन उनकी तड़प का कारण भी है। एक बार फिर आनंद बाबू पुष्पा के पास जाते हैं और उनके हाथों में होती है इमरतियां। घर में आते आते वो पुष्पा को पुकारते हैं, पुष्पा ओ पुष्पा। बहुत ढूंढने पर पता लगा कि जीवन में मिठास दो ही जगह है, एक मिठाई वाले के यहाँ, दूसरी तुम्हारी आवाज में। ये देखो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म इमरतियां लाया हूं, पुष्पा कहती है। अब बैठिए, मैं प्लेट में लाती हूं। तभी आनंद बाबू पुष्पा की ठोड़ी बड़े लार से पकड़कर कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे मिठाई खाने का नहीं, देखने का शौक है। पुष्पा कहती है, जानती हूं आपको तो नमकीन पसंद है ना। फिर पुष्पा आनंद बाबू से फरमाइश करती है, सुनिए कल आप समोसे और कचौड़ियां लाइएगा। आनंद बाबू को आश्चर्य होता है। फिर आनंद बाबू बहुत संकोच से पुष्पा से पूछते हैं, सुनो तुम्हें पूरियां बनानी आती हैं, भाजी, गरम गरम हलवा? पुष्पा पूछती है, आप खाएंगे? आनंद बाबू कहते हैं, तुम पास बैठकर खिलाओगी तो जरूर खाऊंगा। नंदू अगले दिन अपनी नई माँ से छिपते छिपाते पुष्पा के पास आता है, जहाँ आनंद बाबू उसके लिए उसके मन पसंद समोसे और कचौड़ियाँ लाते हैं। आनंद बाबू को अब समझ आता है कि पुष्पा ने किसके लिए इतने चाव से समोसे मंगवाए थे। आनंद बाबू नंदू का परिचय पूछते हैं तो पुष्पा महेश भैया के बेटे के तौर पर नंदू का परिचय आनंद बाबू से करवाती है। तब आनंद बाबू पुष्पा से पूछते हैं कि क्या वो नंदू को बहुत प्यार करती है। पुष्पा कहती है, हाँ। आनंद बाबू से पुष्पा पूछती है, आप तो शरीफ आदमी हैं, आप यहाँ क्यों आते हैं? आनंद बाबू कहते हैं, नंदू यहाँ क्यों आता है? पुष्पा कहती है, उसकी बात और है, उसकी सौतेली माँ उसे नहीं चाहती, उसे कोई प्यार नहीं करता। तभी आनंद बाबू कहते हैं, मुझे भी कोई नहीं चाहता पुष्पा। नंदू अपने घर समोसे लेकर जब पहुंचता है तब सौतेली माँ उसके हाथ से समोसे फेंक देती है और फिर पुष्पा के पास जाने से मना करती है। इसी के बाद इंटरवल होता है। इंटरवल के बाद एक बार फिर आनंद बाबू समोसे कचौड़ियों का दोना लेकर पुष्पा के पास आते हैं और नंदू को ढूंढते हुए पुष्पा से कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा बेटा? पुष्पा कहती है, मजाक कर रहे हैं? आनंद बाबू जवाब में कहते हैं, मजाक तो तुम कर रही हो पुष्पा अपने साथ। आनंद बाबू नंदू का इंतजार कर रहे होते हैं, पुष्पा भी खिड़की पर उसका इंतजार करने लगती है। तभी नंदू चुपके चुपके पुष्पा के घर आने लगता है। तब उसकी सौतेली माँ उसे आने से रोकती है और साथ ही पुष्पा को नीच कुलक्षणी कहकर आरोप लगाती है कि यह शरीफ घर के बच्चों को बिगाड़ती है। ये सब कुछ आनंद बाबू और पुष्पा सुनते भी हैं और देखते भी हैं। आनंद बाबू पुष्पा का मन हल्का करने के लिए कहते हैं, अरे इस जरा से लड़के ने लाइफ मिजरेबल बना दी है। पुष्पा की आंखें भर आई होती हैं। आनंद बाबू पुष्पा को समझाते हैं कि तुम एक अंधेरे कुएं की तरफ भाग रही हो पुष्पा, प्यास नहीं बुझेगी, डूब जाओगी। पुष्पा कहती है, डूबने में बाकी ही क्या रहा है आनंद बाबू? आनंद बाबू कहते हैं, बाकी है पुष्पा, बाकी ना रहता तो ये आनंद बाबू तुम्हारे पास ना आते, तुम्हें हर महीने पैसे नहीं देते, तुम्हें यूं सजा कर नहीं रखते। पुष्पा अपने मन की बात आनंद बाबू से कहती है, मैं नहीं जानती थी आनंद बाबू कि मैं नंदू को इतना चाहने लगूंगी। हर औरत की तरह मैंने भी सोचा था मेरा अपना एक घर होगा, पति होंगे, बच्चे होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हरे सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हरे सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। खोए हैं इन रंग रलियों में, हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना। अगले दृश्य में आनंद बाबू की पत्नी का भाई पुष्पा के कोठे पर आता है। पुष्पा उसे अपने कमरे में लाती है तो पुष्पा को आनंद बाबू से दूर हो जाने के लिए कहता है। अपनी बहन की टूटती गृहस्थी का जिम्मेदार बताता है। वो पुष्पा को कहता है कि आपका कोई भाई नहीं, बेटा नहीं, इसलिए आप मेरी दीदी का दर्द नहीं समझ सकती। आखिरकार पुष्पा आनंद बाबू के साले को वचन देती है कि अब वो आनंद बाबू को अपने पास नहीं आने देगी। ये फैसला करते हुए जाने कितने टुकड़े हुए पुष्पा के हृदय के। पुष्पा ईश्वर के आसन के आगे रो रही होती है तभी नंदू आता है। पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? पुष्पा नाराज होकर कहती है, तेरे लिए तो कल क्यों नहीं आया?
नंदू कहता है, बाबा और नई माँ तुम्हारे पास आने से मना करते हैं, नाराज होते हैं। पुष्पा विह्वल होकर कहती है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा बेटा, कोई नहीं आएगा। आज से मैं तेरे सिवा किसी को आने नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। शाम होते ही आनंद बाबू कचौड़ियों का दोना लिए पुष्पा के घर के दरवाजे आते हैं। दरवाजा बंद देखकर उन्हें अचंभा होता है। वो पुकारते हैं, पुष्पा आज ये दरवाजा क्यों बंद है, खोलो ना। फिर कहते हैं, प्रियतम खड़े द्वार खोल खोल बंद किवाड़, आज इतनी देर क्यों कर दी, खोलो ना पुष्पा। पुष्पा कहती है, आप यहां से चले जाइए आनंद बाबू, फिर यहां कभी मत आइएगा। आनंद बाबू बार बार आग्रह करते हैं, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो, पूछते हैं, मगर आज पुष्पा ने अपने प्रेम को रोक लिया हो जैसे। वो कहती है, आप अपनी पत्नी के पास चले जाइए। आनंद बाबू कहते हैं, जिसे छोड़कर तुम्हारे पास आता हूं तुम मुझे उसके पास जाने को कहती हो, वापस जाने के लिए तो नहीं आता हूं ना पुष्पा। पुष्पा गुस्से से खिड़की बंद करते हुए कहती है कि भी ठीक है, आप बाहर ही खड़े रहिए। पुष्पा के आंसू नहीं रुक रहे और आनंद बाबू का आश्चर्य नहीं खत्म हो रहा। ओम प्रकाश से वही मुलाकात हो जाती है और जाम के साथ आनंद बाबू के दिल का दर्द बाहर आ जाता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। खिलौना था कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, क्या हुआ, समझे ना। हमने जो देखा था सुना था क्या बताए वो क्या था, हमने जो देखा था सुना था क्या बताए वो क्या था, सपना सलोना था, तुम तो होना था, हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो सोचो, ये क्या हुआ।
खोना था, बदनाम होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, तरह आनंद बाबू अपने दुख को समेटे हुए वापस चले जाते हैं। नंदू का आना जाना पुष्पा के पास बढ़ जाता है। दुर्गा पूजा समीप है। मूर्तिकार कोठे के आंगन से मिट्टी लेने आते हैं और उसी वक्त नंदू रात की रानी का पौधा लेकर वहां आ जाता है। वो मूर्तिकार से पूछता है, ये मिट्टी क्यों ले जा रहे हो? मूर्तिकार पुरानी मान्यता से नंदू को कहता है कि ये बहुत पवित्र मिट्टी है, इसे दुर्गा की मूर्ति में लगाते हैं तभी मूर्ति पूर्ण होती है। नंदू रात की रानी का पौधा उसी मिट्टी में और उसी आंगन में लगाता है। पुष्पा पूछती है, क्या कर रहा है? तो नंदू कहता है कि ये बड़ा हो जाएगा तो ढेर सारे फूल खिलेंगे। अच्छा, फूलों का क्या करेगा? पुष्पा के पूछने पर नंदू कहता है, तुम्हें ला कर दूंगा, तुम पूजा करती हो ना। नंदू फिर अपने दोस्त लालू और गांव माधोपुर की बात करता है। पुष्पा को अपना अतीत आंखों के सामने आ जाता है। नंदू पुष्पा से वादा लेता है कि देखो, इस पौधे को सूखने मत देना। अगले दृश्य में आनंद बाबू दफ्तर के कपड़ों में सुबह ही पुष्पा के घर आते हैं। पुष्पा कहती है कि अरे, आनंद बाबू हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मालूम है कि नहीं आना है, मगर मैं उसका कारण जानने आया हूँ। पुष्पा बताती है कि आपकी पत्नी नहीं चाहती कि आप यहाँ आए। आनंद बाबू कहते हैं कि जो थोड़ा सा सुख जीवन में मिला है वो यहीं आकर मिला है, तुम्हारे पास। आनंद बाबू अपनी शादी का डरावना सच पुष्पा को बताते हैं। तभी वहां नंदू अचानक से आ जाता है रात की रानी के पौधे का हाल पूछने। आनंद बाबू सब समझ जाते हैं और वापस चले जाते हैं। नंदू तभी बीमार हो जाता है, उसका बुखार उतरता ही नहीं। जब कई दिनों तक नंदू नहीं आता तब पुष्पा उसके घर की खिड़की पर जाकर उससे मिलती है। जब नंदू की तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो पुष्पा आनंद बाबू से कहलवा कर शहर के सबसे बड़े डॉक्टर घोष से नंदू का इलाज करवाती है। घोष बाबू की फीस देने की हैसियत नंदू के पिता की होती नहीं और ये सारी फीस आनंद बाबू देते हैं। महेश बाबू को जब ये सच अनजाने में पता लगती है तो वो पश्चाताप में डूब जाते हैं और पुष्पा से माफी मांगते हैं। पत्नी के लिए खरीदी गई साड़ी बहन पुष्पा को बहुत श्रद्धा से भेंट कर देते हैं। पुष्पा नंदू के ठीक होने पर जब उससे मिलती है तो उसे तावीज पहनाती है। नंदू अब पुष्पा से मां सा व्यवहार करता है। उसके बाल सुलभ हरकतों से पुष्पा का घर गुंजयमान होता रहता है। कृष्ण कन्हैया का करे यशोदा मैया,
रमेश बाबू अब दूसरे शहर जा रहे हैं। नंदू पुष्पा को जब ये बताता है तो पुष्पा कहती है, अब तू मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा? नंदू कहता है, क्यों नहीं आऊँगा, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा ना तब तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। ताबीज संभाल कर रखना, मैं लेने आऊँगा। पुष्पा भी उससे वादा करती है। नंदू उसके पाँव छूता है और पुष्पा बेहवल हो जाती है। नंदू घर पहुंचता है, उसकी सौतेली माँ उसे मारती है। नंदू को बचाने पुष्पा जाती है, कहती है, अब वो मेरे पास कभी नहीं आएगा, और दोनों गले लग कर रोते हैं। अगले दृश्य में नंदू बड़ा हो जाता है। कलकत्ते में ही गंगा के किनारे उसे उसके बचपन का दोस्त मिलता है, चंदू, वही चंदर। वो उससे कहता है कि ये जगह देखकर उसकी याद आती है। शहर भर का गंदा नाला गंगा में मिलकर गंगा हो जाता है, किंतु उस जैसा उसका मन गंगा जल की तरह था। कोई अपनी नहीं, मगर माँ जैसी थी वो। नंदू का दोस्त जिस हॉस्टल में रहता है, वहीं वृद्ध पुष्पा बर्तन मांजने और छोटे मोटे काम करने का काम कर रही होती है, जिससे उसका जीवन यापन हो सके। एक दिन वहीं विजय बाबू के साथ आनंद बाबू से मिल जाते हैं। विजय बाबू के साथ जब उसे आनंद बाबू मिलते हैं तो वो बहुत बदहाली में होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। पुष्पा आनंद बाबू से पूछती है, आप अच्छे तो हैं ना? आनंद बाबू तंज में कहते हैं, गलत, तुम्हें पूछना चाहिए था, अब सुखी तो है ना? पुष्पा के सब्र का बांध आंखों से पानी बनकर फिर निकलता है, बहता हुआ। पुष्पा आनंद बाबू से कहती है, ये जगह उस जगह से तो अच्छी ही है ना? आनंद बाबू कहते हैं, हाँ, तुम वहाँ लोगों के दिलों के महल साफ करती थी, यहाँ जूठे बर्तन साफ करती हो। संसार की हर गंदगी को छूकर तुम उसे पवित्र बना देती हो। तुम आज इतने दिनों बाद मिली हो, लेकिन लगता है कि जैसे कभी तुमसे दूर नहीं रहा। विजय बाबू के पूछने पर कि ये कौन है, क्या चक्कर है, आनंद बाबू कहते हैं, तुम शेयर बाजार के आदमी हो, तुम नहीं समझोगे। ये सिर्फ वही समझेगा जो जिंदगी के शेयर जान बूझ कर घाटे में खरीदता हो। चलो, तुम नहीं समझोगे, चलो यहाँ से। पुष्पा को उसी हॉस्टल में उसके पति से मुलाकात होती है, जो बहुत बीमार है और अंधा भी हो चुका है। चंदर से उसे मालूम होता है कि उसका अब कोई नहीं है। पुष्पा के सामने अपने पति से जुड़ा अतीत आंखों के सामने नाचने लगता है। पति की दूसरी शादी, उसके जुल्म, सब याद आ जाता है। पुष्पा के सामने ही उसका बीमार पति दम तोड़ देता है। उसकी सिहाग की निशानी, सिंदूर, शंखा उसके बदन से उतर जाते हैं। नंदू पुष्पा के उसी पुराने घर पर आता है, जहां रात की रानी का पौधा फूलों से भरा होता है। और इसी तरह से आनंद बाबू को मालूम लगता है कि नंदू अब शहर में है, और वो कॉरपोरेशन में इंजीनियर होने की बात उसे डॉक्टर घोष से पता लगती है। और फिर आनंद बाबू नंदू से संयोग से डॉक्टर घोष के क्लिनिक में मिलते हैं। उसे अपनी याद दिलाते हैं और पूछते हैं कि पुष्पा याद है तुम्हें? आनंद बाबू के पूछने पर नंदू पुष्पा से मिलने उसके हॉस्टल जाता है, जहां पुष्पा बर्तन मांज रही होती है और रसोइये की डांट सुन रही होती है। नंदू को देखकर पुष्पा को जैसे खुशियों का खजाना मिल जाता है। पुष्पा एक बार फिर अपने बच्चे को देखकर, जिसे वो अपना बेटा मानती थी, खुशी से पागल हो जाती है। आनंद बाबू के हाथों आंखों में आंसू है और हाथों में एक बार फिर कचौड़ियां हैं। वो नंदू से कहते हैं, अपनी माँ को घर ले जा बेटा। नंदू पुष्पा को हाथ रिक्शे से अपने घर ले जा रहा होता है, और उसी दिन देवी माँ भी विदा ले रही होती हैं। और इसी गीत के साथ पर्दे पे लिखा आता है, दिस इज अमर प्रेम। कार्यक्रम सिनेमा घर में आज मैं आपके साथ थी सारिका पंकज। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।